जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है। चंडीगढ़ च आम आदमी पार्टी दे 3 कौंसलरां दे बीजेपी ज्वाइन करन बाद सियासी गलियारन च हलचल तेज हो गई है। उधर चंडीगढ़ आप दे प्रधान डॉक्टर सनी सिंह आहलूवालिया दा भी बयान सामने है। उन्हें कहे कि भाजपा दे ऑपरेशन लोटस दी शुरुआत हो गई है। 3 दिन पहला जो कौंसलर लोकतंत्र दी लड़ाई लड़ रहे सन, भाजपा दी तांदी दे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे सन, उन्हां कौंसलरां नूं ही भाजपा ने डरा धमका भाजपा ज्वाइन करवा ली है, जो लोकतंत्र दी हत्या है। ये पार्ट है ना, भी 3 कौंसलर ज्वाइन करें, ये पार्ट उसी का चल रहा है। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं, और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जोन सा वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है, और यही देश के अंदर चल रहा है।